आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु, हम धन्य हुए प्रभु, किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु, मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है माँ के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं माँ की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं, उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी मां के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि हाँ
अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तो फिर भाग गो, प्रतिदिन का काम होगा ये तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। ये संसार कितना भयानक है कछु मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निरक्षर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है, यशोदा माँ है। प्रभु, माँ यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहां आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के 5 तत्व, 5 महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा! प्रभु, आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। जिस आयु में संतान को अपनी माँ की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा। किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली माँ माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है,
स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहां आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहां जन्मी पुत्री को यहां ले आइए। द्वार देव की, क्या ये द्वार भी? Thank you.
आयु संभाल, काल तेरा अवतरित, रूप है उसका बाल। श्री हरे जय बालक। माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। जे स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। यही तो है आनंद, परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। अरे सुन रे बंधु, अरे सुन रे बाला, अरे सुन रे, सुन रे, सुन रे। सुन रे बंधु, सुन रे बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु, सुन रे बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करें उजाला, यशोमती मैया के नंदलाला, नंदलाला। तो बिल्कुल वैसा ही देख तो जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगी? हमारा लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार। स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोहरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ, तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी, इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊंगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, जे हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक।
पता कोमल, इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है, जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्नों में देखा था, नहीं? आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी, उनका बस चलता तो। क्या हुआ नीलमणि, तू ठीक तो है ना? अब ठीक हुआ मैया, यही तो चाहिए था मुझे, अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ वो भी चाहिए मुझे, तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है, अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। यशोदा, जात कर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता है। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं, और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। रुको यशोदा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भूखे लल्ला को दूध पिला रही हो जीजी, कोई पाप थोड़े ना कर रही हूँ। पाप नहीं है किंतु भूल अवश्य। अपने संतान की भूख मिटाना भूल कैसे हो सकती है जीजी? एक कर्म कांड के लिए मैं अपने संतान को और भूखा ना रख सकती। आपको तो पता है मैंने इस क्षण के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितना तरसी हूं मैं। जब जब मैं संसार भर की मैया को देखती थी, अपनी संतान को गले लगाते हुए, उन्हें दूध पिलाते हुए, तो मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि मैं कब मैया बनूंगी, कब मैं अपने तन अपने रक्त से अपने संतान का पोषण करने का अनुभव करूंगी। और आज जब ये अनुभव करने का अवसर आयो है, मेरा लल्ला सामने है, भूखो है, तो तुम मुझे रोक रही हो जीजी? यशोदा, प्रतीक्षा के वो दिन बीत गए, अब तुम मैया हो, और ये मैया अपने संतान का हित चाहती है ना? पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार, जन्म के बाद जो पिता करे जात कर्म संस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तू मुझसे बच गया? मुझे मूर्ख बनाकर कहीं और जन्म ले लिया तूने, तो क्या मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं या अपनी विनाश की राह में पलक पावड़े बिछाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं मैं? विष्णु, देख कष्ट
मैया का व्याकुल हो नन्हे कन्हैया, जग सम्मुख पर इनको दिखे बस यशोदा मैया, दिखे बस यशोदा मैया। कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है, मैं कब से अधूरी थी, तेरे लिए तड़पती थी, नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे। किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, देर से दियो पर जिसे दियो है वो जग में सबसे निराला है। तूने मेरा जीवन सार्थक कर दियो लल्ला, नारायण का बहुत बहुत आभार और तेरा भी जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है। आभार आपका जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया। आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला, सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी, स्वयं से पहले, समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी, सदैव तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, तेरी रक्षा करूंगी, आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला। हाँ थोड़ी पगली अवश्य हूँ, किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं। जानती हूँ मुझे क्या लगता है मैया, संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों, सबसे अनोखे सबसे न्यारे। मैया माँ सृष्टि के साथ एकाकार हो रही है, क्या हो गया भाभी को?
यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी, परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की यह अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योग माया ही आप सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए, इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहां थे वहीं वापस चले जाइए। समय कम है, मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। आज दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने कैसे झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु,
ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। नंदलाला नंदलाला तू सुन रहे है लल्ला, ये सब तुझे नंदलाला कह के पुकार रहे हैं। मेरा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा तेरे साथ, जबकि सबसे अधिक चिंता मुझे ही है तेरी कि जे इतनी लंबी बात कहीं तू थक ना जाए। जितने लोग उतना आशीर्वाद यशोदा रानी, जे जसोदा का लल्ला है इतनी आसानी से ना थके वो। यशोदा के लाडले नंदलाला जीते रहो। यशोमती मैया के नंदलाल की जय। 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 सुना तूने लल्ला, ये सब क्या कह रहे? यशोमती मैया के नंदलाला, अच्छा लगो तुझे? अच्छा कैसे नहीं लगता मैया, यही कहलाने तो आया हूँ मैं, यशोमती मैया का नंदलाला। निर्धन अपने पराए का भेद भूलकर अपने दही माखन को सबके साथ बांटना, एक रंग में रंग जाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे जन्म का उत्सव हर वर्ष ऐसे ही मनाना। सुनो जी, मैं लल्ला को लेके भीतर जाऊं, मुझे बहुत थक गया है। पता है लल्ला, संध्या होने को आई तू बहुत थक गया होगो, अब जितना मन करे उतना विश्राम कर। आज तो आनंदी आ गयो। जशोदा जी के लल्ला को देख के लोग कैसे बावले हो गए थे, और वो मूरख जो पात में सबसे आगे खड़ा था मुझे रोक रहा था। हाथ तोड़ के लल्ला को देखने मेरे जीते जी तो ना जा पाओगे, फिर कैसे गिरा? जी, ऐसे किसी का उपहास ना उड़ाना चाहिए, वो बेचारा तो नीलमणि को सबसे पहले देखना चाहता था। वैसे उस सब इतने अच्छे से हो गयो कि आनंद ही आ गयो। बस किसी की बुरी दृष्टि ना लगे मेरे लल्ला। हाँ भाभी, लल्ला को देखने पूरो गाँव आयो तो। अरे आता कैसे नहीं, यशोदा मैया का लल्ला है ही इतना मनमोहक, सही कहा ना मैंने? सब तुझे कितने ध्यान से देख रहे थे, है ना? कुछ और बात करो ना, मैया को चिंता हो रही है। वैसे चिची,
चिंता की बात तो है। हरिराम कुमार की लाली के साथ क्या हुआ था याद है ना? क्या हुआ था? लो जशोदा जी भूल गई, जन्म हुआ तो खिले फूल सी थी कन्या, पर फिर खाट पर ऐसे पड़ी कि अब तक ना उठ पाई है। जाने कौन सा रोग लगा है। रोग ना दृष्टि लगी है, बुरी दृष्टि, जो देखने आए थे उन्हीं में से किसी की। सुलक्षणा चाची, मैया की चिंता बढ़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हो आप। कुम्हार के लाले को देखने कितने जन आए होंगे, 10, 20, 30। मेरे नीलमणि से मिलने पूरा गोकुल आओ था। हे नारायण। नारायण ही जाने किसकी दृष्टि का कैसा असर होगो। वैसे कोई तो पहचान होती होगी ना पूरी दृष्टि की, है चाची? अब चुप भी हो जाओ, देखो कितनी घबरा गई है मेरी मैया। अचानक क्या होगो, जे गौशाला में क्यों जा रही है? पता नहीं। अच्छा, सबला और रामू से मिलवाने लाई हो मैया। सबला, तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी संतान के लिए कितना तरसी हूँ। हाँ, इसे किसी की बुरी दृष्टि तो ना लगी। तुम ही सहायता करो मेरी। अब है इसमें सबला क्या करेगी मैया, ये तो गाय है। ये कोई खेल है क्या? मुझे इसकी पूंछ पकड़नी है। यशोदा, ये लो गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, बुरी दृष्टि का समय समाप्त हो जाएगा। सभी पदार्थों में गोमूत्र उत्तम है मैया, गंगा जल के समान पवित्र। यदि कोई बुरी दृष्टि थी भी तो अब अवश्य दूर हो जाएगी। अब तो निश्चिंत हो जाओ मैया। जी जी, लल्ला को देखो कैसे खिलखिला रहे है। अब चिंता दूर हुई कि ना? पूर्व वाली तो हो गया है, किंतु अब नई चिंता सता रहा है मुझे। चाहिए कि तुम सब इसे फिर से बुरी दृष्टि ना लगा दो। हैं? जी। हाँ, नहीं तो चलो अब मुझे और मेरे लल्ला को अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ। सबला, तुम तो मुझसे पहले मैया बनो थी, तुम्हें तो जैसा अनुभव होगा। बताओ इसकी सारी दृष्टि उतर गई ना? देखो सबला, जैसे रामू मेरा लल्ला है वैसे ही नीलमणि तुम्हारा भी लल्ला है, तो इसकी गौ मैया होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अब इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। Do do do.
आइए। मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के षष्ठी पूजन के बारे में कुछ। अब तो जी 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी आप केशव भैया से कह देंगे आने को, आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा, है ना पंडित जी? हाँ यशोदा रानी, कष्ट का प्रश्न कहाँ उठतो है, मैं संदेश दे दूंगा, आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो। बोलो पुत्र, कैसे लगे ये वस्त्र? हम नीलमणि से ही पूछ लेते। बताओ लल्ला, तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं? बताओ। हाँ बस एक बार संकेत दे दे लल्ला। देखो लग तो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है। जे वाला दिखाइए। कौन सा? जे वाला? हाँ जे वाला। अब उठाया है आपने सही वस्त्र। क्या केशव भैया, तब से जे सिली हुई पोशाक रखो है आपने और हमें तब से आप पूरा वस्त्र दिखा रहे थे। अर्थात हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है। सही कहा स्वामी, हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए। हाथी घोड़ा पाल के जय नंद गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। रंगोली रंग सज रहे न्यारे, इत्र महक रहे मौसी। बहुत अच्छा किया आप आ गए सच्ची। जे तो वही पुण्य आत्मा है पुण्य मौसी,
जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो, तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पूर्णमासी, आपकी कही बात सच निकली। ये देखो मेरा लल्ला। आंखें अब बूढ़ी हो गई है यशोदा, दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं, यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना, अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है। चौंक क्यों गई? हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो है? जी, जी मुझसे बात कर रही है। अरे क्या कर रही हो, सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। ध्यान से देखो पूर्णा, पहचानो मुझे। दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? सारे देवता पधारे हैं। सारे तेरी षष्ठी पूजा के लिए आए हैं। इसका अर्थ है कि तू सच्ची में? पूर्णा, मेरे रहस्य को गोपनीय रखना है तुम्हें। ये सच्ची में? ये सच्ची में क्या मौसी? हाँ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? कोई चिंता की बात तो ना है ना? दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है, वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। चिंता किस बात की, जब स्वयं नारायण ही? नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। क्या हुआ मौसी, कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जे सबका क्या मतलब? हाँ तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा, मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंदलाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी, बताओ ना, अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही हो। हाँ बताओ मौसी क्या हुआ? ना
कुछ विशेष नहीं है सुधा। क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसके देह में दिव्य तेज है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते है। आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा, न जाने क्या देखती है क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी, आपकी जो गूढ़ बातें मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जिलल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ, इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज। आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं? हाँ, किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। आहा, तो यहाँ है आप। रुक क्यों गए शनिदेव? आइए ना शनिदेव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। यशोदा, मैं भी निकलती। अच्छा जी। लल्ला, लल्ला, आजा, आजा, लल्ला, गोदी में आजा, 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 आजा। लल्ला कस्तूरी मासी के पास आवेगो। नहीं कस्तूरी मेरे पास आएगो। मैं ही लूंगी। लल्ला, लल्ला, लल्ला। शांत हो जाओ सब। शांत, घर ना जानो है, हाँ? घर ना जानो है। तुम सबके कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलता है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जिंजी देखो हंस रहा है। आजा, गोदी में आएगा। अरे मुझे देखा है मुझे। तुम सबके कान में बात ना जा रही मेरी, हाँ? अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगा। बस करो सब, चलो। ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु। परेशान कर दो है ना लल्ला, बहुत थक गए ना, हाँ? अब कोई परेशान ना करेगा, सब गए।
अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जी जी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनिदेव कितने व्याकुल है मेरे दर्शन के लिए। देख रहा है। ओ महाराज, आप कौन और आप यहां क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा, लल्ला को देखने आए हो? अरे तो इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आए थे तब क्यों ना आया? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहां से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनि, शनि देव। अच्छा, शनि देव। मैं चंडी माता। मैया आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को शनि देव बता रहे हो, हैं? क्या समझते हो? महाराज, यदि आप सच्ची में शनि देव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया, आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था। फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए। वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूं महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वक्र दृष्टि लग गए तो ना ना आप ही बताओ, ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को, है शनि देव? अब आप क्षमा करो मुझे। मैं अपनी दृष्टि, केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला, और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गया है, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया, मिलने दो ना शनि देव को, मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का। जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी शनिदेव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है, किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना। हाँ हाँ, नहीं तो ये क्या किया मैया, कितना दुख हुआ होगा शनिदेव को। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनि देव, आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ,
बिना मिले ही जा रहे हैं शनिदेव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात, दर्शन देने मैं स्वयं आया हूँ तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं। सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनिदेव क्योंकि ये कोकिला माध्यम है, मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया, संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया, किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए। प्रभु, आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था फिर कैसे ना आता मैं। जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनिदेव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु, मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा, इसीलिए आज से ये स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा। और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आगो है। अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो की ना? बिल्कुल तैयार है यशोदा जी, देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना व्याकुल है। चल लल्ला, आराम से सज। अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो, मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। हाँ
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। कहो भाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, जे ही बताएगो। कैसा लगो? लो जीजी, लल्ला ने तो हाँ कर दे। तो पाला उस सब आराम करें। रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे फूल जे आज के ही है ना, कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया, तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरे लल्ला को चुप गई तो? बाहर की ओर ही है जीजी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जे गद्दा और उनके बस्त सब कोमल है ना? अच्छा अच्छा, और जे पालना जे सुरक्षित तो है ना, भार उठा लेगो ना मेरे लल्ला का? जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहना चाहिए। हाँ नहीं तो हृदय प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया रोहिणी दीदी कैसी है, उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है, मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई, मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से, उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझती आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। लो, मैं तो भूल ही गई, भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे आठवें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहां गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने पूतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है, जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ है। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए। यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी 7 दिन पहले, तो अनर्थ हो जाएगा, कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज, हमारा लल्ला।